नहीं दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में एक वो शख्सियत जो पूरे के पूरे विश्व के हितों को साधने के लिए, जो ऊर्जा के लिए, पर्यावरण के लिए, शक्ति के लिए, युवाओं को एक बेहतरीन जीवन देने के लिए, ग्रामीण परिवेश को एक सुंदर सा स्वरूप देने के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिन्होंने आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक के जो अवधारणा थी उस अवधारणा को ध्वस्त कर दिया और आज आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक ऐसे बेहतरीन आयाम को लेकर के आए हैं जिनके साथ आज आप बात करेंगे। और आपके दिल और दिमाग के खिड़की दरवाजे को खोल लीजिएगा और याद रखिए, ये मौका छूटना नहीं चाहिए। पूरा पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, सोचिए, समझिए, चिंतन, मनन और मंथन कीजिए। हम एक ऐसे महान शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो आपके जीवन के अंदर एक खुशियों की बहार लेकर के आ रहा है। तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप वो महान शख्सियत। सर, आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर श्रीनिवास भास्कर चागंटी। सर, आपका किस कार्य क्षेत्र के अंदर विशेषता है? बिजली उत्पत्ति, बिजली निर्माण, बिजली क्षेत्र में है। आपने जो इसके ऊपर शोध किया है जी, उसमें आप यदि एक या दो पंक्तियों में बताना चाहें, हाँ, उसका जो है मुख्य धारा क्या रहेगी? मुख्य धारा ये है कि बिना धातु बिजली उत्पत्ति करने में भार, गति और व्यास के ऊपर हमने इसका रिसर्च किया है और यही अंत में निश्चित रूप से निकल के आया है कि भार, गति और व्यास से ही मुफ्त से बिजली बनती है। तो आप इस चीज़ से दुनिया को संदेश क्या देना चाह रहे हैं? आप पोल्यूशन से दूर रहना है, ग्लोबल वार्मिंग से दूर रहना है और माइनिंग से दूर रहना है, तो आप एक नए आविष्कार, नई तकनीक की उपयोगी में जो आप लाना चाहते हैं वो है भार, गति और व्यास। इसके ऊपर अगर कोई रिसर्च कर सकता है और इसके ऊपर से और कोई पेपर प्रेजेंट कर सकता है इंटरनेशनली, तो ये भार, गति, व्यास से पूरी पोल्यूशन दूर हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पानी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपने इसके ऊपर काम किया? हाँ, 30 साल के ऊपर से काम किया है। आप किस नाम से जो ना इसको प्रेजेंट कर रहे थे, सोच जो आपका सोच चल रहा था, किस नाम से कर रहे थे आप? काइनेटिक्स एसोसिएटेड मास मैकेनिकल एप्लीकेशंस, कम्मा। ये जो है ये दैनिक जीवन में भी उपयोगी होती है क्योंकि भार जो है शरीर होता है, गति जो है शरीर का चलने का परिस्थिति बनती है और व्यास जो है शरीर का डायमीटर के ऊपर से रहता है, कद के ऊपर से रहता है। तो ये जो तीन चीज है वो सारे प्रयोग में दिखाई देती है और भार, गति, व्यास से ही दुनिया चलती है। तो इसी से बिजली का उत्पत्ति होने में सरल रूप के साथ बहुत ही आसान तरीके में बिजली बनाया जाता है। तो आपका पेटेंट करवाया गया है क्या? आप पेटेंट किया? अच्छा जी, किस नाम से करवाया जी पेटेंट? आपका पूरा नाम क्या है इसमें? हमारा पेटेंट का नाम है कम्मा गियर फ्लाईव्हील पावर जनरेशन मल्टीप्लिकेशन एंड स्टोरेज। आपका पूरा नाम क्या है सर? डॉक्टर श्रीनिवास भास्कर चागंटी। अच्छा, इतना लंबा नाम का समझ में नहीं आ रही है जी। कई पार्ट हैं क्या इसके अंदर? जो ये आपका नाम है या जैसे परिवार के साथ के नाम जुड़ते हैं वो है? परिवार का नाम है चागंटी। अच्छा जी। मेरा नाम है भास्कर श्रीनिवास। अच्छा। तो आपका जो है इसके अंदर कुछ प्राप्त भी हो पाया है? गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है? हाँ बिल्कुल किया है और ये रिसेंटली जो पार्लियामेंट के अंदर भी इसका बिल पास हो गया है और ये 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑफिशियल तौर पे पॉलिसी मैटर में दर्ज किया है और ड्राफ्ट पॉलिसी में भी इसको आगे लेके फ्लाईव्हील, पम्प्ड हाइड्रो और कंप्रेस्ड एयर तीन का भी इन्होंने इसके अंदर रख दिया। इसको आधार बनाकर के कोई प्रोजेक्ट तैयार हुआ भारत में जी? अभी हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, ऑलरेडी हम तैयार कर चुके हैं। अच्छा जी। और ये 150 किलोवाट तक हमने इसका संशोधित किया है और अच्छी तरह से इसको हमने सक्सेसफुल किया है। कौन सी जगह पर है सर ये? अभी ये हैदराबाद में किया है। अभी हम लोग पंजाब में 1 मेगावाट का PSPCL के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं।
अच्छा, तो सर ये बताएं कि जो है ना आम आदमी को इससे क्या बेनिफिट्स हो पाएंगे और आपका जो प्रयास है कितना सार्थक हो पाएगा, कितने उम्मीद रखते हैं आप? ये जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हर एक गांव में 1 से 5 मेगावाट लगाने का जो हमने चर्चा की है गवर्नमेंट के साथ, पीएमओ ऑफिस के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ, ये तकरीबन ओके हो गया है। और जैसा ये 1 से 5 मेगावाट लगाते हैं तो गांव-गांव में बिजली का जो आज तकलीफ है और जो गांव से लोग शहर की तरफ जाके जो अपनी जीवन दैनिक जीवन के अंदर ये लोग अपना निजी जीवन को यानी धन के रूप में कमाना चाहते हैं, 30 दिन का जो इनके पगार आने वाली जो चीज़ है, ये हम उस गांव में ही कर सकते हैं जो गांव के अंदर इनका एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करे, स्टार्टअप इंडिया के अंदर डेवलप करे और मेड इन इंडिया के अंदर डेवलप करे। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट हर एक गांव के अंदर अगर लगाने से गांव के लोग गांव में रहेंगे, गांव का जो दौर तरीके हैं वो कायम रहेंगे और गांव के परिवार गांव के साथ ही रहेगा। और इससे क्या होता है कि शहर के साथ जो आबादी बढ़ने वाली जो संख्या है वो घटती जाएगी और शहर में कूड़ा का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सर ये बताएं कि जो वर्तमान में बिजली का कंज्यूमेशन हो रहा है और जो इसके हाइट के ऊपर रेट जा रहे हैं तो इसके ऊपर क्या हम कंट्रोल कर पाएंगे इससे? बिल्कुल कर पाएंगे। अभी हमने गवर्नमेंट को बोला है अगर आप हमें फाइनेंस करते हैं तो हम 5 पैसे में बिजली देते हैं, अगर हम खुद फाइनेंस लाते हैं तो हम आपको 6 रुपये में बिजली देते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो इंटरेस्ट बांधना रहता है और बहुत कुछ इसके अंदर है। तो हम गवर्नमेंट से यही निवेदन करते हैं कि आप हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप करें और आप हमें प्रोजेक्ट के साथ साथ जो फाइनेंस करते हैं तो उसके साथ आपको सिर्फ 5 पैसे में बिजली आती है, तो उसके साथ अगर आप 2 रुपये में लोगों को देते हैं या 50 पैसे में लोगों को देते हैं तो लोगों का जो अभिवृद्धि है बहुत बढ़िया सा हो जाता है और लोगों को बहुत सारे सुविधा भी मिल जाती है। तो सर आप युवाओं को इसके बारे में क्या जागृति के लिए कहना चाहोगे? युवा तो बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं भारत के लिए या कोई और देश के लिए, क्योंकि यही तो सोना है। तो युवा पीढ़ी से हम यही बोलते हैं कि आप रिसर्च में आ जाइए, रिसर्च के अंदर आपकी जितनी टाइम है उतनी टाइम आप नए नए चीज़ों के ऊपर आपकी खोज निकाल के आगे बढ़ना है, नए नए बुक्स को आप पढ़ना है और नए नए सिस्टम्स को आप डेवलप करना है। तो इससे क्या होता है भारत का जो ज्ञान है भारत में रह जाएगा और विदेश जाने से बच जाएगा। सर आपने पर्यावरण के ऊपर काम किया, ऊर्जा के ऊपर काम किया है जी, तो फील कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सा है। अभी हम जो काम करते हैं वो पूरा भारत के लिए नहीं बल्कि पूरा दुनिया प्रकृति के लिए है। जो पोल्यूशन है और ये जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है इसको निकालने के लिए हम नया तरीके के सिस्टम्स को ढूंढ निकाले हैं और ग्रेविटी इस तरह से 21 वर्टिकल्स के ऊपर हमने काम किया है। तो ये जो 21 वर्टिकल्स के ऊपर काम करने से भारत को आगे चल के बिजली का कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो जो पहले शोध हुए हैं उनको क्या आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं, और क्योंकि वो सारे धातु के प्रयोग से होता है, क्योंकि अगर आप कोयला जलाते हैं तो धन जलाने की मात्रा में बात कर सकते हैं, क्योंकि कोयला खरीदा जाता है और कोयला जलाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप धन को जलाते हैं। हर एक बार आप धन को जलाने से आपका जो ये टैक्स पेड सारे पैसे हैं ना जो जल जाएंगे, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अपना GDP घट जाएगी, अपना सिस्टम खराब हो जाएगा और अपन ब्याज के अंदर रह जाएंगे। अगर अपन भार गति व्यास के ऊपर अगर अपन आगे चलते हैं तो इसके अंदर ना कोई पैसे लगाने का चीज़ है, ये तो मुफ्त से बिजली बनने वाली चीज़ है। बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ में साझा किया है। ज्ञान ज्योति दर्पण आपको शुक्राना भी करता है और शुभकामनाएं देता है कि जो ना आपका जो प्रयास है वो सार्थक हो और भारत के साथ साथ पूरे विश्व को आपकी इस योग्यता का लाभ भी मिले। तो आपके शादी कब हुई थी आपकी? हमारी शादी 1994-95 में हुई। अच्छा, तो बच्चे? बच्चे नहीं हमारे। अच्छा, अर्धांगिनी का नाम क्या है जी? डॉक्टर
चागंटी बाला, वो भी हैं यहाँ पर क्या? मेरी बाजू में बैठे। अच्छा, आपके बाजू में यही बैठे। तो डॉक्टर साहब, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम बाला। तो बाला, बाला आप जो ऐसा आपको पति मिला है जो भाई देश विदेश के अंदर जो है मानव जाति के लिए एक बेहतरीन काम कर रहा है, तो आपके वैसे तो चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप बताएं कि आपको आपके पति के साथ का जनरल वे के अंदर जो अनुभव क्या मिला। व्यक्तिगत लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं। व्यक्तिगत में ये बहुत अच्छी है, ये दुनिया को अच्छी करने के लिए बहुत सोचता, इसलिए मेरे को भी खुश है, दोनों मिलके करिए पूरा। आपकी खुद की इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है? मेरे को इंटरेस्ट यही प्रोजेक्ट में है। अच्छा, तो आप इनके साथ में काम कर रहे हैं? हाँ, इनके साथ में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर आपने जो अनुभव किया, यदि आप दो पंक्ति में बताना चाहें तो क्या कहेंगे? अनुभव क्या किया, हम पूरा देश के लिए बहुत मेहनत करी, इस ये प्रोजेक्ट में हमको खुश है, हम दोनों खुशी से ये काम करें। चलिए, मैं भास्कर जी आपसे भी पूछ लूँ अब, क्योंकि जोड़ी साथ में है, तो आप बताएं कि ये जो कार्य आपने किया, इससे आप कितने सेटिस्फाई हैं और कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं? आपकी जीवन का ही है। दुनिया का सबसे अनोखा टेक्नोलॉजी है, जो 800 साल से लोग इसको साकार करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए हर एक देश इसके पीछे लगाया, लेकिन कोई साकार नहीं हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ पे ईश्वर के आशीर्वाद से, उन परमपिता के आशीर्वाद से ये ज्ञान प्राप्त हुई है, और ये ज्ञान के साथ हम बहुत ही आनंद के साथ इसको आगे ले जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शोध है, बेहतरीन इन्वेंशन है, और ये इन्वेंशन भारत से बाहर निकलती है तो बहुत ही गर्व की बात हो जाती है, क्योंकि मैं भारतवासी हूँ, मैं और भारत में रहना चाहता हूँ, मैं भारत का नाम देश विदेश में ले जाना चाहता हूँ। ये बताएं भास्कर जी कि जो आप इस लाइन में पहुँचे, तो इस तरफ आपका ध्यान किस प्रकार से गया, वो कौन सा पॉइंट था जिसने आपको इस ऊर्जा की तरफ अग्रसर किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना घटी है हमारी दिल के अंदर, तो ये है कि जहाँ गए वहाँ पोल्यूशन ही पोल्यूशन नज़र आती है, जहाँ गए वहाँ हमें स्मोक नज़र आती है, माइनिंग नज़र आती है, लोग खान के अंदर उतर के इसको निकालना चाहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे तकलीफ़ें ये झेलते हैं, तो ये सारे चीज़ को हमने देखा है, और देखने के बाद हमारी पुरखों का जो ज्ञान है, हमारे जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, और हमारे फादर के फादर है, और हमारे वाइफ के भी फादर के फादर हैं, ये सारे लोग पहले से हमें ये इस बात की पुष्टि करते थे कि आप पढ़ने के टाइम में बिजली के ऊपर काम करो, क्योंकि उस टाइम उनके जो गांव के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ही गहरी थी, इसीलिए ये सारे लोग हमें बिजली बनाने का केंद्र के अंदर हमारी ज्ञान को बढ़ाने का कोशिश किया है। तो भास्कर जी, आपके परिवार में भी कोई साइंटिस्ट हुआ है पहले? नहीं, आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। अच्छा, आप छोटे छोटे सवाल, सीधे सीधे जवाब जी, ये बताएं कि आपकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल कौन सा है, याद करते हैं बताएं। जब हमें पेटेंट मिल गया, दुनिया का सबसे खुशी दिन उस टाइम हो गया, जो लोग चैलेंज करते थे कि आपको पेटेंट नहीं मिलने वाला है। अच्छा। तो मैं बोलता था कि मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो मल्टीप्लीकेशन, पेटेंट डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीप्लीकेशन पावर के साथ हमने किया है, तो सारे दुनिया बोलती थी आपको पेटेंट मिलने वाली नहीं है, लेकिन हम बोलते थे मिलेगा, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था पूरा। तो पेटेंट कब हो पाया ये? 2021, नवंबर 2022। अच्छा जी, हाँ। तो अब इसको अगर शब्दों में व्यक्त करें, हाँ, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत ज्यादा जब इंसान एक्साइटेड होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, तो वो शब्द कहाँ से ढूंढता है? ये तो हमारी शब्द कोश में आई नहीं है, तो हम बोलना भी बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि दिल की बात जो है वो चेहरे पे दिख जाती है और हंसी पे दिख जाती है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है, पे होती है। बहुत सुंदर तरीके से। जिस दिन हमें मिला था, हम सोचे कि आसमान छू लिया।
चलिए, मैं ये सोच रहा था कि शायद आप ये बताएंगे कि जिस दिन आपकी शादी हुई थी उस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया है। तो अच्छी बात है कि कम से कम आपने अपनी जो है परफॉर्मेंस जो दी है उसके ऊपर गौर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि आपके जीवन के अंदर कभी कोई ऐसा गम का पल, कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो? नहीं, कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं और मेरी धर्मपत्नी जो है हम दोनों एक साथ हैं और हर एक चीज़ में दोनों साथ रह के सोचते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमें कोई दुख की महसूस होती नहीं। जिंदा दिल रहने के लिए क्या तरीका अपनाएं? अगर आप कहते हैं कि कभी भी कोई गम नहीं हुआ, फिक्र नहीं हुई, चिंता नहीं हुई, दुख नहीं हुआ, तो इसको जीवन में कैसे बनाए रखें? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है पेशेंस जी। पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है और ये जो सोच है वो बहुत ही आनंद के साथ लेना है कि जो घटना घटी है वो घट गई है, और उसके साथ चिंताजनक अगर सिस्टम भी लगा देते हैं और अपनी पूरी सोच उस चिंता में डूब रहती है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर नहीं रहता है तो उस दिन पूरा बेकार हो जाएगा, तो खराब हुआ सो चीज़ खराब हो गया है। ऐसा तो हम बहुत सारे गियरबॉक्स तोड़ देते हैं, एक एक गियरबॉक्स 20-20 लाख का, 30-30 लाख का होता है, एक सेकंड में टूट जाता है, तो पता नहीं फिर वापस वो 20-30 लाख कहाँ से लाए। तो ऐसे ऐसे सिस्टम में हमने बहुत मुस्कुराते हुए आगे बढ़े हैं, बोले कि ईश्वर देता है तो ईश्वर दिया है और आज तक देते ही रहा है। बहुत खूबसूरती के साथ में आपने जीवन जीने का सलीका भी बता दिया, बहुत बेहतर तरीके से जो ना अपने आप को जिंदा दिल रखने का तरीका भी बताया। तो नौजवानों को आपने इतना ज्ञान दे दिया, इतने जीवन का एक एहसास हुआ, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने बात करी, तो बहुत अच्छा लगा खैर आपसे बातचीत करके। आज जो हमारी और आपकी जो मुलाकात हो गई जी, इस मुलाकात को आप किस एंगल से देखते हैं? ये एक एक अनहोनी पहलू है जो हम इसके लिए कोई सोचा नहीं कि आज आपसे बात करें, ये बातचीत हो गई है। जैसे सब तरंगों में से एक रंग निकल के आता है तो उसी तरह से एक रंग निकल के आया, तो हम सोचते हैं कि बाकी के 6 रंग भी अगर आते हैं तो खुशी से खुशी रह जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती समय दिया, बहुत अच्छे ढंग से हमारे साथ बातचीत की है, एक एक सवाल का बड़ी गहराई के साथ में जवाब दिया है। मैं आपको तहे दिल से एक बार शुक्राना भी करता हूं, और आपका जो प्रोजेक्ट है पूरे विश्व की, पूरे मानव जाति के लिए एक बेहतर परिणाम लेकर के आए, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाए और जो है लोगों का हित साधने में सहयोगी बने। बिल्कुल जी।